बालाघाट से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। जी हां, बालाघाट के बांदा टोला में फायरिंग चल रही है। पुलिस और नक्सली एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं। बालाघाट में दो नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है, जहां पिस्तौल बरामद हुई है उनके पास से। इस मामले पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता निकेश चंदे। निकेश, क्या है पूरा मामला, बताए हमारे दर्शकों को। बालाघाट जिले के काना मेहताल पार्क गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पे विगत दो वर्षों से नक्सलियों के दल बल की जो हुआ रहे थे और पता रहे थे नक्सलियों ने, इसके चलते आज सुबह पता चला है कि दो नक्सलियों सामान जो खरीदी करने आते हैं राशनों का, काना से लगे मुक्की के पास वाडा टोला गांव में कुछ खरीदी करने आए हुए थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई, तो पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी अपने दल बल के साथ यहां पहुंचे और दोनों नक्सलियों और पुलिस के बीच काफी देर मुठभेड़ हुई, फायरिंग हुई गई और दोनों नक्सलियों के पास जब असला बारूद गोलियां खत्म हो गई, उस दौरान नक्सलियों ने अपने आप को सरेंडर किया। निकेश, गिरफ्तार हुए आतंकियों को कहां रखा गया है? सर, गिरफ्तार आतंकियों को जानकारी मिली है गढ़ी थाने के पास में रखा गया है और एक नक्सली भागने में कामयाब हुआ है। निकेश, जो नक्सली फरार हुआ है उसकी कुछ सूचना प्राप्त हुई है, उस पर क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? सर, उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है, पुलिस प्रशासन पूरा लगा हुआ है और जो इनमें एक पागल मरकाम जो है नक्सलियों का कप्तान है, उसके ऊपर में 50 लाख का इनाम रखा गया था, उसका नक्सली भागने में कामयाब हुआ है। निकेश, गिरफ्तार हुए नक्सलियों से क्या सूचना प्राप्त हुई है, आप बताएं हमारे दर्शकों को। सर, अभी तो जानकारी नहीं लग पाई है, जैसी जानकारी लगेगी हम अपने दर्शकों को तुरंत रूबरू कराएंगे। निकेश, आप इस मामले पर हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद। जी।